पटना सिटी के आलमगंज पुलिस चौकी के पास एक मकान में चोरों के एक गिरोह ने रविवार को ग्रामीण बैंक के क्लर्क के घर भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस घटना में चोरों ने घर में रखे गए नगद रुपए सहित सोने चांदी के जेवरात ले उड़े। घटना के बाद मकान मालिक ने आलमगंज थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता, जो कि ग्रामीण बैंक में क्लर्क के रूप में पदस्थापित थे, उनकी मृत्यु कुछ वर्ष पूर्व हो गई थी। उसके बाद घर का पूरे देखरेख का काम उनकी पत्नी नीलम गुप्ता करती है। घर के परिवार के सदस्यों ने बताया कि नीलम गुप्ता अपने परिवार के लोगों के साथ अपने बीमार भाई को देखने हाजीपुर गए थे। रविवार की देर रात जब वह घर वापस लौटे तो देखा घर का ताला टूटा पड़ा है और घर के सभी सामान बिखरे पड़े हैं। 12 लाख रुपए नगद और लगभग 10 लाख से अधिक के सोने के जेवरात चोरों के गिरोह ने घर में ताला तोड़कर चोरी कर लिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी खंगालना शुरू कर दिया है। नीलम गुप्ता का है, उनके पति के देहांत हो गया है। देहांत के बाद उनको जो गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड मिला, उसे लोग जमीन खरीदने के लिए पैसा निकाल के रखे हुए। इनके भाई साहब का मतलब तबीयत खराब हो गया, 6 तारीख के आसपास, 7 तारीख का हो, ये लोग चले गए अपने भाई को देखने के लिए। अब वहाँ से जाने के बाद तबीयत ज़्यादा गड़बड़ हुई होगी तो पैसे के लिए अपने बेटे को भेजे यहाँ पे। बेटा आया 7 तारीख को, पैसा निकाला, चला गया। फिर जब 8 तारीख को नीलम गुप्ता शाम को आई तो देखी कि घर का ताला टूटा हुआ है। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया, हम आए, देखे पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। तो वो जैसा उनसे बातें हुई, बातों से ये बताई हुआ हमें कि 10 से 12 लाख के आसपास में कैश था और ज्वेलरी थी, मतलब कि बेटी की शादी हुई थी 2015 मई 2021 में, तो उसमें ज्वेलरी वगैरह मिला था। तो बेटे की ज्वेलरी, छोटे बेटे की ज्वेलरी भी है, बड़े बेटे की ज्वेलरी वगैरह है और माता जी का जो खानदानी मिला हुआ है। तो सब जोड़ जाड़ के बता रही कि 12 से 15 लाख के बीच में हो सकता है, बाकी डिटेल उनकी माता जी बताएंगी। एफआईआर का मेरे पास कॉपी है, हम चाहें तो आप चाहें तो देख सकते हैं।